देखिए पहले अपन ने पढ़ा था जितनी वास्तविक संख्या कक्षा 10 का टॉपिक चल रहा था हिंदी मीडियम का, उसमें अपन पढ़ चुके थे। देखो सबसे पहले तो अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, HCF याद किया था, और कोई नंबर को इस फॉर्मेट में दर्शाया जा सकता है, ये सब अपन ने साथ में किया था। अब अपन क्या करते हैं, अभाज्य वर्णखंड विधि से HCF और LCM दोनों निकालते हैं। जब अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, अपने पास में कोई संख्या, मान लो ऐसे दो संख्या लेते हैं 96 और 404, ये कोई संख्या ले ली। अब जैसे इनका लेसे अपन निकालेंगे तो LCM दोनों का साथ में भी निकाला जा सकता है, तो 96 और 404 दो। अब ये देखो फिर वापिस दो 24 101, फिर दो 12 101, फिर दो 6 101, फिर दो 3 101, फिर 3 101। अब 101 में किसका आता है, 101 क्या जाएगा, ये आएगा कितना 1, तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 101। अब क्या लिख सकते हैं, एक अगर घातों के रूप में लिखना था 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 × 3 × 101, ये अपना क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, गुणनखंड के रूप में लिखना दोनों गुणा करके लिख दीजिए, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में, मैसेज में ज्ञात करना हो इसका मैसेप है या HCF जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये ज्ञात करना हो तो ये ज्ञात हमेशा अलग अलग ही होता है। 96 का पहले निकालना पड़ेगा 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, फिर 404 का निकालना पड़ेगा 2 202 2 101 101 एक, तो 404 कितना आ गया 2 × 2 × 101, और 96 कितना आ गया, फिर यहाँ पर लिख रहे दोनों का अलग अलग जिससे क्या है गलती ना हो, तो 96 गुणनखंड अपने पास में आए कितने 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 × 2 × 3, और 404 के कितने आए, 404 के अपने पास आए हैं 2 × 2 × 101। अब देखो युग्म कितने बन रहे हैं, एक युग्म में और दूसरा युग्म में, 101 ऊपर वाले में नहीं है कहीं भी, बाकी जो बचा नीचे वाले में नहीं है, तो युग्म HCF कितना आ गया इसका, HCF आ गया इसका 4, किसका 96 और 404 का। अब देखिए थोड़ा सा आपको एक यानी अलग से क्वेश्चन कराते हैं अपन, जिसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्याख्या कीजिए ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है, भाज्य संख्या है क्यों है ये बताना है, व्याख्या कीजिए एक भाज्य संख्या क्यों है, कह रहा है क्यों है। अब देखिए इसको जब करते हैं अपने पास में, देखो 7 × 11 ×
तेरह प्लस तेरह, पहली बात तो ये आती है कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो वाली संख्या होती है जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो। मतलब कौन सी वाली संख्या है आई जिसका गुणनखंड क्या हो, एक का भाग जाए, दो स्वयं का भाग जाए, उसके अलावा कोई अन्य संख्या का भाग जाए, तीन संख्याओं का भाग जाना कंपलसरी है, तब इसमें बात करते। देखो पहली बात, अपने क्या कॉमन आ रहा है, तेरह इसमें कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, सात गुणा ग्यारह गुणा एक प्लस एक। अब तेरह यहाँ आ गया, ये कितना, ग्यारह सा सतहत्तर प्लस एक, तो तेरह गुणा अठहत्तर ये संख्या आ गई। अब देखो इस संख्या में जब तेरह गुणा अठहत्तर आ गई, तो तेरह गुणा अठहत्तर में देखो एक का भाग तो जाएगा ही जाएगा, तेरह का भी भाग जाएगा, एक का भी जाएगा और अठहत्तर का भी जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी संख्या का भाग जाएगी, और भी तरह जरूरत नहीं, अपने को सिर्फ एक तेरह अठहत्तर का जा रहा है ना, मतलब तीन संख्याओं का भाग जा रहा है, तीन इसके गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड कौन कौन है, एक तेरह अठहत्तर इसके गुणनखंड है, तीन संख्या का भाग दे रहा है, ये सॉरी भाज्य संख्या है। एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं जो भी इसके सही है उसको भी अपन बताते हैं, तो उसमें भी यानी भाई कोई भी सॉल्यूशन आ जाए। तो उसको भी इसी प्रकार से करते हैं, गुणा है क्वेश्चन है सात गुणा छह गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, ठीक है, प्लस पांच। अब इसमें क्या आ रहा है, दोनों पांच उभयनिष्ठ है, पांच कॉमन ले गया, सात गुणा छह गुणा एक गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक प्लस एक पांच, सात छह बयालीस, चार तीन बारह, बारह दून चौबीस प्लस एक पांच, चौबीस दून अड़तालीस, हासिल की चार, चौबीस चौक छिन्नमय, छिन्नमय और चार प्लस एक, ठीक है। अब इसके गुणनखंड कितने आ गए, एक हजार नौ। अब देखो इस संख्या के अंदर अगर इसकी गुणनखंड निकालूं, मैं इसमें सीधी बात करूं कि भाज्य संख्या का भाग किस किस का जा रहा है, तो भाग इसमें जा रहा है एक का जाएगा जाएगा, पांच का जाएगा जाएगा और एक हजार नौ का जाएगा जाएगा, बस तीन संख्या का भाग जा रहा है ना, मतलब तीन इसके गुणनखंड हो रहे हैं। अगर ये तीन इसके गुणनखंड है तो दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। और क्यों है, तो क्यों है, तो भाई दो से अधिक उसके गुणनखंड बन रहे हैं, कौन कौन है, एक पांच एक हजार नौ, ठीक है, क्लियर। अब ये आता है अपने काम करते हैं, एक पर्सन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट पर्सन ये है कि कोई संख्या आपको दी जाएगी उसको आपको सिद्ध करना है कि यह एक परिमेय संख्या है। कैसे, सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, यह अपन को सिद्ध करना है। इसका जैसे ही आप उत्तर लिखते हो, मतलब सॉल्यूशन कर रहे हो इसका, तो आपको जैसे बता रहे हैं बस सभी क्वेश्चनों में यही काम करना है। सबसे पहली लाइन ये लिखनी है, माना जो अपन को दिया गया है ना उसको उल्टा मान लो, माना रूट दो एक परिमेय संख्या है। यहां क्या दिया था, अपरिमेय संख्या, अपन ने क्या माना कि एक रूट दो एक परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या तो रूट दो बराबर ए बटा बी, अब यहां पे लिखना है जहां ए तथा बी पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्या है, आगे यह लिखना है ए व बी का, ए कोमा बी का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। भाई जो है सबसे पहले तो ए व बी क्या है,
पूर्णांक तथा सहभाज्य संख्या और ए व बी का एक के अलावा, ये एक है गणित का एक है, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है, जो दिया हुआ है उसका वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये कितना आ गया, दो बराबर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसका वर्ग कर दिया ये आ गया दो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, दो बी स्क्वायर मतलब ये लिखा हुआ है तो दो बी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो दो बी स्क्वायर में दो का भाग जाएगा, दो बी स्क्वायर दो से विभाजित है। अब दो बी स्क्वायर दो से विभाजित है, दो बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर के, अतः ए स्क्वायर भी क्या होगा, दो से विभाजित होगा, अतः ए भी क्या होगा, दो से विभाजित होगा। यहां तक काम क्लियर है, यहां तक कोई समझने सोचने की जरूरत ही नहीं, अपने पास में इसको इक्वेशन वन दे दी, ठीक है इसको इक्वेशन टू दे दो, हो गया यहां पे काम। अब माना वापिस ए बराबर दो सी, अब सी का भी नया पूर्णांक है, ठीक है ना, अब सी कोई पूर्णांक है, अब इसका वापस वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देते कितना आ गया, ए स्क्वायर बराबर चार सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान देखो समीकरण एक में कितना, दो बी स्क्वायर, तो ये मान यहां पर रखने पर दो बी स्क्वायर बराबर चार सी स्क्वायर, दो से दो टाइम कट गया तो बी स्क्वायर बराबर चार दो सी स्क्वायर। अब देखिए दो सी स्क्वायर विभाजित किससे, दो से, तो बी स्क्वायर भी किससे विभाजित होगा, दो से, और बी भी किससे विभाजित होगा, दो से। अब देखिए बात, अपन ने यहां बात की कि ए में बी पूर्णांक है, सहभाज्य संख्या है और इनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहां से समीकरण दो व तीन से, समीकरण दो व तीन से अपनों क्या मिल रहा है कि ए व बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो बी है, या दो ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये भी लिख सकते हैं अपन। तो दो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, तो जो अपने परिकल्पना थी, परिकल्पना में क्या है कि ए व बी सहभाज्य, तो उनका एक ही, यानी एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, दो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, अतः हमारी परिकल्पना, जो परिकल्पना क्या मानी थी कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है में विरोधाभास है, या हमारी परिकल्पना गलत है, जो अपन ने मानी थी, क्या मानी थी, रूट दो एक परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अपनी परिकल्पना गलत है, ठीक है, अतः रूट दो एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ये अपने को लिखना है, थैंक्स प्रूफ। अब कोई भी पर्सन आ जाए आपके पास में, रूट दो की जगह रूट तीन आ जाए, रूट चार आ जाए, सॉरी रूट पांच आ जाए, रूट छह आ जाए, रूट सात आ जाए, रूट आठ आ जाए, रूट टेन आ जाए, इनमें सब में यही काम करना है। और जो संख्या यहाँ पे मानी है, जैसे अगली वाली वो करेंगे, जैसे यहाँ पे दो थी तो यहाँ पे ए बराबर दो सी माना था, अगर रूट तीन आएगी तो यहाँ पे कितना मानना है, ए इज इक्वल टू तीन सी, अगर रूट पांच आती है तो ए इक्वल टू पांच सी, रूट छह आती है तो ए इक्वल टू छह सी, रूट सात आती है तो ए इक्वल टू सात सी, यही मानना यही करना है, सब कुछ सेम आएगा। दो उभयनिष्ठ गुणनखंड बनेगा उनका अपना विरोधाभास होगा, जो परिकल्पना हमारी है वो क्या हो जाएगी, गलत होगी, ठीक है, वो परिकल्पना जब गलत होगी या उसमें विरोधाभास आएगा तभी वो संख्या क्या आ जाएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। अब इसी का एक प्रश्न और करते हैं, यही पर्सन थोड़ा बड़ा होता है, अगर ये संख्या थोड़ी अलग आ जाए, जैसे लाइक दैट,
ये रूट दो की जगह अपने पास संख्या आ जाए सपोज दैट 5 - √3, वही करना है एक परिमेय संख्या। पहली बात क्या करनी है कि जब भी हल करेंगे सबसे पहले माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, जो लाइन लिखी है वो सब में यही लिखनी है, कहीं कोई चेंज नहीं करना। 5 - √3 बराबर a/b, जहां a व b पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या है जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या ए बी का एक ही केवल और केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तो ये 5 - √3 बराबर a/b, अब -√3 बराबर कितना आ गया a/b - 5, तो -√3 बराबर अगर इसको मैं ऐसे लिखूं माइनस कॉमन ले लूं ये क्या आ गया 5 - a/b, माइनस से माइनस कट गया था, √3 बराबर 5b - a/b। अब इनमें तो देखो सीधा ही करना है, जहां अब अपन बात करें कि ए बी तथा 5 एक परिमेय संख्या है, अब ये सब परिमेय संख्या है तो इनके बराबर जो संख्या आएगी वो भी क्या आएगी, परिमेय संख्या। अतः √3 एक परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। तो फिर लिखना जो कि गलत है, फिर बाद में वही हमारी परिकल्पना में विरोधाभास उत्पन्न है या होता है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, यही लाइन सब में लिखनी है यहां पे ऐसे, अतः √3 एक परिमेय संख्या जो कि गलत है, भाई आप लोग बता रहे हैं। तो अब उसके बाद हमारी परिकल्पना, जो हमने परिकल्पना मानी तो वो सारी क्या आ गई, गलत आ गई। अब इनमें कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपके पास में तो भी घबराना नहीं है, अगर मान लो क्वेश्चन यहां से ऐसे चेंज हो के दोनों ही संख्या रूट के आ जाए जैसे ये आ जाए √2 + √5, तो इसमें ही वही करना है, हल में क्या करना है सबसे पहले कि √2 + √5 बराबर a/b, वही लाइन लिखनी है जहां a व b पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या है और जिनका एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब वही कि √2 = a/b - √5, एक संख्या को ट्रांसफर कर दो कहीं भी, पक्षांतर कर दिया इसका यहाँ पे, ये माइनस से पहुंच गई। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो तो 2 बराबर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका वर्ग और इसका वर्ग, ये आ गया 2 और ये क्या आ गया a - b² जो क्या होता है a² + b² - 2ab, तो इसको खोलेंगे तो a² + b² + 5 - 2a/b √5। अब इसको लिखता हूं मैं 2 = a² + 5b², ठीक है ना, और यहां से आ गया -2√5ab/b², ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक बार इसको इस लाइन को चाहे अपन छोड़ देते हैं, एक बार यहां से सीधा कर लेंगे क्योंकि उसको पक्षांतर कर देते हैं। अब ये अपने पास में आ गया, ये रूट की संख्या है, ये बिना रूट की संख्या, इसको इधर पक्षांतर कर दो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, ये अगर 2ab या 2√5a/b बराबर a² + b² + 5 - 2, तो 2√5a/b बराबर ये आ गया a² + b² + 3, ठीक है। अब देखो
दो रूट पांच बराबर बी बटा ए, और ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये ए अपॉन बी इधर जाके क्या हो गया, उल्टा हो गया यहाँ पे। अब क्या आ गया, रूट पांच बराबर बी अपॉन दो ए, और अंदर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस तीन बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब बी से बी स्क्वायर कट गया, रूट पांच बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस तीन बी स्क्वायर बटा दो ए बी। अब इसमें वही लिखना है कि क्या है, ए बी तीन व दो, ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, तो इनके बराबर वाली संख्या भी क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी, जो कि गलत है। तो हमारी जो परिकल्पना है वो क्या रहेगी, उसमें विरोधाभास उत्पन्न रहेगा, विरोधाभास उत्पन्न रहेगा, तो संकल्पना अपन की वो क्या रहेगी, गलत रहेगी, वो गलत रहेगी। तो रूट टू प्लस रूट पांच क्या आएगी, एक अपरिमेय संख्या आएगी। इनके अलावा इसमें तो कोई संख्या नहीं, कोई प्रश्न नहीं आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भाई, इसके अंदर जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, कि बिना उसको सोल्व किए, कोई संख्या को बिना सोल्व किए ये बताना है कि यानी भाई ये शांत है या अशांत है। जो संख्याएं भाई अपन कहेंगे कौन सी शांत होगी कौन सी अशांत होगी। अब देखो दशमलव परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब इसमें देखो बिना उसको ज्यादा कुछ छेड़े हुए अपन बात करते हैं, कोई संख्या ऐसी लिख रही है 0.375, तो मैं इसे क्या लिखता हूं, 375 बटे 1000, जितने पॉइंट हटाऊंगा उतनी जीरो लगा दूंगा, और 1000 का मतलब क्या हो गया, 375 बटे 10 की घात 3, जो कितना हो गया, 375 बटे 2 की घात 5, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, क्योंकि 10 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 की घात 3, और ये दोनों की बात कितने, 2 की घात 3 और 5 की घात 3, लेकिन यहाँ पे 375 भी है, जिसके मैं गुणनखंड करता हूँ, 3 तीन एकम तीन, तीन दून छह, तीन पंच पंद्रह, पांच पच्चीस, पांच पांच, पांच एक, तो तीन गुणा पांच की घात 3, तो ये क्या हो गया, 3 गुणा 5 की घात 3 और 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, ये तो कट गया, लेकिन ये कितना बच गया, 3 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। अगर कोई प्रसार, अगर कोई प्रसार अपने पास में ऐसे आ जाए कि 1 बटा 2 की घात n गुणा 5 की घात n, मतलब जो हर है उसमें दोनों भाग 2 गुणा 5 का गुणा जा जाए और उनकी घातें दोनों की अलग अलग हो, दोनों की घातें क्या हो, अलग अलग हो, अगर दोनों की घातें अलग अलग रहेगी तो उस संख्या का भाई प्रसार जो होगा अपन बात करें वो शांत होगा, मतलब रुक जाएगा आगे जाके प्रसार, ठीक है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या होगा, अशांत प्रसार होगा। भाई जब भी अपन करते हैं कोई भी संख्या के लिए, तो अपने पास जितनी संख्या आएगी वो सारी इसमें आएगी, जो शांत और अशांत की बात करते हैं। अब कोई संख्या मान लो ऐसे ले ली जाती है अपने पास में, जैसे 0.14104, अब इसमें भी करेंगे तो पॉइंट उठाऊंगा, तो ये 1000 आ गया, तो 104 बटा 1000। अब इसको करता हूं मैं, तो देखो इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 2 4 6 24, और ये आ गया 250, अब ये आ गया 13 बटे 125, ठीक है। अब ये देखो जब 13 बटे 125, तो 125 5 की घात 3 बन गया, जब कोई घात नहीं होती तो अपन 2 की घात 0 लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी आधार की घात, किसी आधार की घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसकी 2 की घात 0 आएगी तो कितना आएगा, 1 होएगा, 5 की घात 0 आएगी तो कितना आएगा, 1। बस ये ध्यान रखना कि दोनों की घात सेम नहीं हो, भाई यहाँ पे घात समान आई थी लेकिन कट गई थी वो उससे, यहाँ पे घात अलग अलग आ रही है, दोनों घात समान नहीं हो। और कभी कोई संख्याओं के साथ में कोई अलग गुणज हो, दो तीन,
और फिर आपको भी पांच ही घात जीरो लगा तो वो अलग गुणा जिस बात को खत्म कर देते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या ऐसी हो 2×13×7 2 की घात 2, अब यहाँ पे लगा दो आप 5 की घात 0, तो यहाँ इस 5 की घात का 0 का मतलब नहीं है। कोई ये प्रसार पता है कौन सा आएगा, अशांति आएगा जहां अपने पास 2 ही गुणज हो जो की बात सीधी आ जाए और उनका गुणज का मल्टीपल अपने पास ये आ जाए तब तो यार वो शांत आएगा, नहीं तो अशांति आएगा उसमें। अब एक प्रश्न ऐसा आता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई संख्या अपने को दे दी जाती है, जैसे कह दिया यदि 241/4000 = 241/2 m × 5 n हो तो m तथा n का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब m तथा n का मान अपन से पूछ रहा है, ये कह रहा 241/4000 = 241/2 m × 5 n, तो ये तो कट गया। अब अपने पास 4000 का लघुतम ले लीजिए, 2 2000 2 1000 2 500 2 250 5 25 5 5 5 5 1 कितना आ गया 1 2 3 4 5, तो मतलब ये आ गया 1/2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 = 2 1/2 m × 5 n। अब ये कितना आ गया 2 की घात m 5 × 5 की घात 3 = 2 की घात m × 5 की घात n। दोनों आधार छोड़ दीजिए तो m बराबर कितना आ गया 5 और n बराबर कितना आ गया 3, ये आपका क्या आ गया उत्तर आ गया। ठीक है, अब आता है जब 9th क्लास में पढ़ा था आपने वो भी बताया हूं आपको कि कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि कोई संख्या दे दी आपको, उसको आप P/Q के रूप में दर्शाइए। तो अभी तक जो छोटे छोटे तो वो तो आपने पढ़ ली थी, एक क्वेश्चन में पढ़ा कराया था थोड़ा सा इस प्रकार का, जैसे कोई संख्या इस प्रकार की आ जाए, मान लो कि 0.2341 को P/Q के रूप में दर्शाओ, अब देखो x बराबर कितना आ गया 0.2341341341, ये एक नंबर समीकरण। अब देखो यहां बार है जो ऊपर वो सिर्फ 3, 4, 1 के ऊपर लगा तो वही आगे प्रसार होगा। अब ऐसे प्रश्नों को देखो बेटा, सबसे पहले जो संख्या अलग बची है उसको बाहर निकाल दो, तो समीकरण एक को दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर अब यह आ गया 10x = 2.341341, ये समीकरण दो आ गई। अब 3, 4, 1 3, 4, 1 आ गया, अभी 3, 4, 1 अपने पास आ गया। अब वापिस समीकरण दो को 1000 से गुणा करने पर यह आ गया 10000x = 2341341341, समीकरण तीन। अब लिख दो समीकरण तीन में से समीकरण दो को घटाने पर, अब इसको घटाएंगे तो आगे 10000x = 2341341341, ऊपर कितना आ गया 10x = 2.341341, ये आ गया कितना 9, 11 में से 2 गया 9, 3, 3, 2, 1, 2, ये 0 आ गया बराबर x का x। अब 10000 में 10 गया 9990, तो x बराबर कितना आ गया 2339/9990, ये आपका उत्तर आ गया। इसको आप यानी सबसे छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो इससे क्या गुणा करके,
भाग गए और जब से छोटे उसमें भिन्न के रूप में लिया हो या आप प्रश्न आ गया। एक प्रश्न कई बार ऐसा आता है कि जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए कि कोई भी संख्या दे दी का अंक जीरो पर समाप्त होगा। जब यानी वो कोई करते हैं तो अपन करते हैं जैसे कोई प्रश्न आ जाए जांच कीजिए कि भैया जो अपन बात करें कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए n के लिए संख्या आप संख्या कोई भी ले लो आप 6 की पावर n ले लिया मान लो अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है भाई हो सकती है होगी जो भी है हो सकती है लिख लो चाहे से। अब देखिए 6 की पावर n अब 6 की पावर n का मतलब क्या हो गया कि पावर n क्या है प्राकृत संख्या है तो n बराबर क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि n क्या है प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या लेकिन 6 का गुणज 6 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 × 3। अब 2 × 3 इसका गुणनखंड लेते हैं कितना हो गया 2 × 3 की घात n तो 2 की घात n × 3 की घात n और जीरो लगाने के लिए गुणनखंड में जब अपने कहेंगे कोई भी अपने पास विषम संख्या सम संख्या है तो सम संख्या के साथ में गुणज आना वो क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए 5 अगर इसका गुणनखंड आएगा तब तो ये जीरो के अंक पे समाप्त होगी। अगर 5 इसका गुणनखंड नहीं है तो ये जीरो के अंक पे समाप्त नहीं होगी। तो लिख दो सीधा ही कि 6 की घात n का एक गुणनखंड 5 नहीं है अतः 6 की घात n जीरो के अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है यह आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपको देख लीजिए कोई प्रॉब्लम आए तो आप यानी कमेंट में डाल दीजिए कोई भी क्वेश्चन जो आपको बुक से नहीं आया तो वो भी आपको सॉल्व कर देगा। ठीक है ना थैंक यू क्लास।